कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं जिनका आप यूज करके अपने लैंडिंग पेज को अमेजिंग बना सकते हैं। ऐसे पांच एस्पेक्ट जो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम मनीष सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर से। तो सबसे पहला नंबर आता है अट्रैक्टिव हेडलाइन, यानी कि आपकी जो हेडलाइन है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए एंड क्लियर होनी चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में उस हेडलाइन का जो टेक्स्ट है वो इस टाइप में लिख देते हैं जो कि समझ में नहीं आ रहा होता, क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो हमेशा आपकी जो हेडलाइन है वो क्लियर होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, साथ ही साथ उसके अंदर हमारे पास में एक ऐसा मैसेज होना चाहिए जिसके मदद से आपका व्यूअर जो है उस पर क्लिक करने पे मजबूर हो जाए। एस्पेक्ट नंबर टू, CTA। CTA यानी कि कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन बटन हमारे उसके अंदर जरूर होने चाहिए। लैंडिंग पेज के अंदर जब आप कॉल टू एक्शन डालते हैं तो उसके अंदर हमेशा अपने जो बटन के कलर्स हैं वो कॉन्ट्रास्ट की होने चाहिए ताकि वो एक स्टैंड आउट करे आपके पूरे लैंडिंग पेज के ऊपर, राइट। तो उसके अंदर आप जो है अपने व्यूअर को कोई एक्शन लेने के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि वॉच नाउ, सब्सक्राइब, गेट स्टार्टेड, राइट। इस टाइप के कुछ एक्शंस आप व्यूअर को लेने के लिए बोल सकते हैं, उससे आपके जो बीच में और यूजर के बीच में जो इंटरेक्टिविटी है वो ज्यादा एंगेज हो जाते हैं। एस्पेक्ट नंबर थ्री, विजुअल इमेजिनरी। विजुअल इमेजिनरी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसकी मदद से आप अपने लैंडिंग पेज को और ज्यादा अट्रैक्टिव, एंगेजिंग और विजिटर के लिए बहुत ज्यादा टाइम तक रुकने के लिए बना सकते हैं। और ये कैसे करना है, इसके अंदर आपको यूज करनी है इमेजेस, ग्राफिक्स, साथ में अगर आप यूज कर सकते हैं तो वीडियोस भी यूज कीजिए, वीडियोस के साथ में ज्यादा एंगेज कर पाते हैं लोग। साथ ही साथ इसके अंदर आपको कलर ज्यादा अट्रैक्टिव एंड कॉन्ट्रास्टी कलर्स लेने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके जो ब्राइट कलर्स रहेंगे तो व्यूअर ज्यादा एंगेज कर पाएगा। साथ ही साथ में उसके अंदर आपको जितने भी टेक्स्ट है वो सारी की टाइपोग्राफी एक आराम से लिखनी है, मतलब जो आपके टेक्स्ट की जो फॉन्ट है वो आपका एक क्लियर फॉन्ट होना चाहिए जिसकी मदद से आपकी जो रीडेबिलिटी है बढ़ेगी और आपका व्यूअर जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम तक वहां पे रुक सकता है। एस्पेक्ट नंबर फोर, मिनिमल डिस्ट्रैक्शन। आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनको कम कर दीजिए। नाउ डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस, आपका जो नेविगेशन मेन्यू होता है उसको हटा दीजिए। हो सकता है कि व्यूअर नेविगेशन मेन्यू पे देखे और उसका कोई इंटरेस्ट का टॉपिक उसे दिख जाए तो वो उस लैंडिंग पेज को छोड़कर के जो नेक्स्ट पेज पे एक एक्सटर्नल लिंक पे चला जाएगा, राइट। तो आपके पेज के अंदर कोई भी एक्सटर्नल लिंक्स नहीं होने चाहिए, नेविगेशन जो है नेविगेशन बार नहीं होना चाहिए ताकि वो आपका जो व्यूअर है वो उसी पेज पर रहे, किसी और पेज पर ना इधर। एस्पेक्ट नंबर फाइव, दैट इज कॉल्ड एबी टेस्टिंग। और एबी टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसकी मदद से आप अपने लैंडिंग पेज को और ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं। किस तरीके से, आप देखिए एबी टेस्टिंग का मतलब होता है आपने आज एक टाइटल चूज किया, लगाया, उसके ऊपर आपको देख रहे हैं कि कितना ट्रैफिक आपको उस टाइटल से मिल रहा है, फिर नेक्स्ट डे टाइटल चेंज कीजिए, उसके बाद फिर देखिए कितना ट्रैफिक आपको फिर से उस जो टाइटल आपने नया डाला है उस पर कितना आ रहा है। तो ये होती है एबी टेस्टिंग, जिसकी मदद से आप अपने जो अपने टाइटल्स हैं, अपने CTAs यानी कि कॉल टू एक्शन बटन्स हैं, आपके कलर्स हैं, इमेजेस हैं, इन सबको चेंज करते रहिए। इसकी मदद से आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा आप जो है किससे ट्रैफिक ला सकते हैं। तो जो भी टाइटल या जो भी CTA या जो भी आपका जो एलिमेंट है सबसे ज्यादा ट्रैफिक ला रहा है वो आप अपने लैंडिंग पेज के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आपके जो लैंडिंग पेज है उसको और ज्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कौन से ऐसे पांच एस्पेक्ट हैं जिनकी वजह से आप लैंडिंग पेजेस को और अमेजिंग बना सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो नीचे मैंने जो है ब्लॉग, हमारी जो ऑफिशियल ब्लॉग वेबसाइट है उसका लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां पर जाके पूरा ब्लॉग रीड कर सकते हैं जिसकी मदद से आपको लैंडिंग पेजेस की बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।